फतेहपुर के तहत पंजाब सीमा के साथ सटे मंड क्षेत्र की पंचायत रियाली के गुज्जर समुदाय के लोगों ने सरकार व प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी समस्या को मद्देनजर रखते हुए राहत दी जाए। सेवा सोसाइटी हिमाचल प्रदेश के साथ साथ मीडिया को अपना दुखड़ा सुनाते गुज्जर समुदाय के लोगों ने बताया कि जब से तबलीगी जमात कारण कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ी है, तब से लोगों ने हमारे समुदाय का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। साथ ही बताया कि उनका कारोबार सिर्फ दूध बेचना ही है, अब लोग उनसे दूध तक नहीं खरीद रहे। वहीं उन्हें अब दुकानों से पैसे देकर भी राशन नहीं दिया जा रहा, जिस कारण उन्हें बा उनके बच्चों को खाने के लाले पड़ गए हैं। साथ ही कहा कि उनका तबलीगी जमात के साथ कोई भी संपर्क नहीं है, फिर भी लोग उन्हें जमात के साथ जोड़कर सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं। उन्होंने शासन व प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें भी समाज की मुख्य धारा से जुड़े रहने का अधिकार देते हुए उनकी जरूरतों को पूरा करने की कृपा करें। वहीं इस पर कोविड-19 के चलते उक्त क्षेत्र की व्यवस्थाओं व गतिविधियों पर नजर रखने का जिम्मा संभाले अधिकारी कम SDO फतेहपुर गुरबख्श धीमान ने बताया कि ऐसा मामला उनको गत दिवस ध्यान में आया था, जिसके चलते पुलिस प्रशासन के साथ क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों व गुज्जर समुदाय के लोगों से बात की गई थी। इसके साथ ही प्रशासन ने भी ये विश्वास दिलाया था कि अगर उनको राशन लेने में दिक्कत आ रही है तो आप प्रशासन के ध्यान में लाएं, ताकि प्रशासन आपके घर द्वार तक राशन पहुंचाने का काम कर सके। नमस्कार जी, मैं यूसुफ दीन पंचायत हरियाली बेला लुधियाना का निवासी। तो असी गुज्जर समुदाय सर, तो साड़ी एक रिक्वेस्ट है कि असी यहाँ गुज्जर लोग डंगर पशु का काम करते हैं, तो जो साडा दुध ना विके तो असी बच्चों की खवाइए। दुध तो साडा सारा कारमदार है, सानू दुध लैन की बड़ी देन की बेचने की बड़ी प्रॉब्लम है। दुध साढ़े को लेंदा नहीं, तो असी बच्चों तो पशुओं की खवाइए। साड़ी यही प्रशासन अगर रिक्वेस्ट है कि साडे बारे कुछ सोचा जाए। हाँ जी, जिस समय तुम दुध लैके जाते हो तुम्हें की कहती दुनिया? सानू यही कहते हैं गुजरों को रोज दुध नहीं लेना, यह जमाती है। अच्छा, थोड़ा तो किसी जमाती कोई संबंध है? बिल्कुल नहीं जी, असं उन्होंने जानते नहीं पछाणते नहीं, साढ़े कोई लिंक है नहीं उन्होंने। तो जे बाय द वे तुहाडे घर कोई आ जांदा भी आ जांदा, फिर की करोगे? असीं सूचना देवांगे सरपंच नूं, पुलिस नूं, पूरा सहयोग देवांगे पूरा प्रशासन दा। ठीक है, तो कहो जी समस्या आ रही है राह दे विच? राह दे विच यही है जी, सानूं एक दा दूजे पाना देखे जांदा है, कुछ बंदे दूजे पाना देखदे सानूं, वह प्रॉब्लम ज्यादा साडे कोलों। एक दुध बेचण दी प्रॉब्लम है, दुध नहीं साडे कोल लैंदा कोई भी। असी दुध बेचांगे तो बच्चों नूं खवावांगे, आप खावांगे। कोई होर भी पेशा अपना है या नहीं? होर कोई पेशा नहीं साडा जी, सिर्फ दुध दे उत्ते गुजारा करदे। दुध ते निर्भर आ ही सब कुछ साडा उत्थे ही। ठीक है जी, बिकेगा तो खावांगे, बच्चों नूं खावांगे, पशुओं नूं खावांगे, नहीं तो साडे कोल कुछ नहीं। मेरा नाम गुलाम नबी, रियाली तों वार्ड पंच। साडे गुजरां दे विच इही समस्या जी, गरीब बंदे आ, विच दुधां दी जरा थोड़ी बहुत मुश्किल आ रही है। लोग दुध लिजान नहीं दे रहे, दुध बिक नहीं रहा, पाँच पाँच दस दस किलो दुध होता है। गरीब गुज्जर समुदाय का ये ही मतलब गुजारा हैगा, अगे भी लोग लेंदे जे बच्चों बुच्चों नूं दुध पिलाने वास्ते, तो दुध की जरा थोड़ी बहुत मुश्किल आ रही है जी, इस दे नाल ही साडा गुजारा हो सकता है। दूसरी गल यह है कि प्रशासन के अगे साडी बेनती है कि साडा कुछ ना कुछ हल किया जाए, साडे गरीब गुजरां दे समुदाय विच इन्हां दा कुछ ख्याल किया जाए जी। याकूब अली, तो पिंड पंचायत रियाली दी, हिमाचल प्रदेश पैंदा जी। तो यह समस्या है जी, सानू कितें बाहर नहीं जान दिंदे, घरों बाहर निकल नहीं दिंदे। जदों भी सानू दो घंटे का कर्फ्यू टुटदा है तो सानू छूट दी गई है सरकार वल्लों कि दो घंटे तुसीं राशन पानी लै सकदे हो, उहदे कारण सानू ना राशन लैण नूं जान दिंदे ना ही कुछ। ये बारे साढ़े धन्यवाद, असी प्रशासन के अगे बेनती करते हैं कि सानू राशन लिया दिता जाए। साढ़े समाज तो दिलों तो दूरी होनी चाहिए, तना तो दूरी होनी चाहिए, वैसे दिलों से दूरी नहीं होनी चाहिए। साढ़े वालों सरकार को बेनती कि साड़ी समस्या का हल करो।
नमस्कार जी। यह संगत नूं भी जड़ियां फवावां फलाईयां जांदियां ना फवाईयां जा, रात भी एक फवा फवा लाती सी भी इधरों बंदे आ गए कोई इधरों आ गए लोग डांगा चुक के आप जिन्ना देर दिने तो आप घर बैठे जाने रात को लाला लाला कभी इधर नूं जांदे कभी इधर नूं तो वो करके ज़्यादा प्रॉब्लम आती पई है। तो झूठिया फवावां तो किसी बरादरी तो किसी भाईवाल चाल तो ना आप एक दूजे का ना लाइए तो जी महामारी है तो आप घर रहीए तो चंगी गल है। हिमाचल फर्स्ट के लिए फतेहपुर से सुरेंद्र मिन्हास की रिपोर्ट।